हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा कैश आया, या मान लीजिए आपके पास बोनस का पैसा आया, या मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपके काम से काफ़ी खुश हो गई और आपको मंथली सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन उस समय अगर मान लीजिए आपके पास लोन है तो आप डेफिनेटली जस्ट सोचोगे कि क्यों ना, अगर मेरा मंथली इंक्रीमेंट हुआ है तो अपनी सैलरी को, जो मेरा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है, EMIs को बढ़ा लिया जाए ताकि मेरी जो लोन की लायबिलिटी है वो कम हो, अगर आपके पास लोन है तो। या दूसरी जगह आप ये भी सोचोगे कि चलो एक एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो क्यों ना इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए ही ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, और इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल भी तैयार करी है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे समय में, या आपको अपनी EMIs के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए या लोन ख़त्म करना चाहिए। तो खैर, इसको मैं एक केस स्टडी में समझाता हूँ। मान लीजिए पारितोष के पास 10 लाख रुपए का लोन है। अब पारितोष के पास 10 लाख रुपए का लोन है, अभी एक्सेल में चलते हैं, और इस पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा 9% का है। 15 साल का मैंने ये लोन लिया हुआ है, और अगर कुछ भी नहीं, जैसा नॉर्मल सिनेरियो है, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, EMIs पे कर रहे हैं, तो मेरी मंथली EMI जो बनती वो बनती 10,142 के आसपास की। 15 ईयर्स का है तो 180 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और ओवरऑल इस स्ट्रक्चर में मुझे 18,25,669 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 8,25,679 रुपीस मेरा इंटरेस्ट पार्ट होगा। अब मान लीजिए पारितोष की सैलरी बढ़ जाती है और पारितोष का मंथली इंक्रीमेंट होता है 2,000 रुपीस से, यानी 2,000 रुपये से मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। अब मैं सोचूंगा कि क्यों ना इस 2,000 रुपये को मैं लोन में रीपेमेंट कर दूं, अपनी EMI के अमाउंट को बढ़ा लेता हूं, मुझे को फ़ायदा होगा, लोन की लायबिलिटी कम होगी, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, ये पहला सिनेरियो है, तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगाने के बाद, वो हो जाएंगी 12,142 रुपीस, क्योंकि मैंने अपनी लोन की EMIs को बढ़ा लिया है। तो अब मेरी 180 मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं जाएंगी, अब मेरी जाएंगी 129 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और ओवरऑल जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, वो होगा 15,62,427। पहले ये अमाउंट 18 लाख था जब मैं नॉर्मल तरीके से अपनी EMIs पे कर रहा था, एक्स्ट्रा मैंने कोई भी पेमेंट नहीं किया होता। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा अब भी जाएगा 5,62,427। पूरे पे ऑफ जो पीरियड होगा वो होगा 10.8 ईयर्स, जहां मुझे 15 साल पे करने लगते, अब मुझे सिर्फ 10 साल में मैं अपना लोन रीपे कर दूंगा, अगर मैं ये 2,000 रुपये अपनी EMI में इंक्लूड कर देता हूँ, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में मैं 2,63,252 रुपये का इंटरेस्ट सेव करूँगा, अगर मैं ये एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ अपने लोन की तरफ। यह है पहला कंडीशन कि मेरे पास लोन, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई 2,000 रुपये से, और ये मैंने अपने लोन को चुकाने में अपनी EMIs के अमाउंट को बढ़ा लिया ताकि मेरा इंटरेस्ट सेव हो सके। जहाँ 15 साल का लोन था वो मैं 10 साल में चुका दूंगा और 2,63,000 के करीब का इंटरेस्ट सेव करूंगा। ये लोन किसी भी तरीके का हो सकता है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, आप कुछ भी समझ लीजिए, एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अब दूसरा कंडीशन कि क्यों ना पारितोष ये सोचता है कि क्यों ना इस 2,000 रुपये का एक काम करते हैं, एक मंथली इन्वेस्ट कर देते हैं। लोन जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस 2,000 रुपये को एक मंथली SIP कर देते हैं किसी पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, और वहाँ पे मुझे 10% का CAGR रिटर्न मिल रहा है। प्रैक्टिकल है 10%, हम कंजर्वेटिव नंबर ले रहे हैं, पॉसिबल है 15 साल में अगर बात करें इक्विटी में, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपको 12-15% रिटर्न मिल सकता है आसानी से, बट फिर भी प्रैक्टिकली बात करें, कंजर्वेटिव बात करें, इक्विटी में यू कैन एक्सपेक्ट 10% रिटर्न, CAGR रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स यू कैन गेट इट, तो 10% मान के चलते हैं। तो अगर 10% ही आपको इस 2,000 रुपये की मंथली SIP पे रिटर्न्स मिलता, तो भाई आपके विद इन द सेम टेन्योर, 15 साल आपका लोन पे कर रहे हो, साथ में आपकी मंथली SIP जारी है, तो भाई ये हिसाब जो बैठता, ये एक्सेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप भी यूज़ कर पाओगे, तो ओवरऑल इस 2,000 रुपये की वैल्यू आपकी होती, मतलब 2,000 रुपीस मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 15 साल के बाद जो कॉर्पस होता वो होता 8,28,940। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ लोन रीपे करने के बाद मेरा सिर्फ इंटरेस्ट कितना सेव होता, 2,63,000, लेकिन इसी पैसे को मैं अगर मंथली इन्वेस्ट करता तो मैं कितना कॉर्पस मेरे पास होता, तकरीबन 8,28,940। किसमें मुझे फ़ायदा है,
इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। तो यानी मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो उस पैसे को मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होता। खैर, तो क्या पारितोष, जब भी मेरे का सैलरी बढ़ता है या बोनस अमाउंट मिलता है या कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आता है और मेरे पास किसी भी तरीके का लोन हो, कितना भी हो, तो क्या मुझे लोन ही ना रीपे करके इन्वेस्ट ही करना चाहिए? हर बार नहीं ये काम करेगा, ये डिपेंड करता है, सर्कमटेंसेस टू सर्कमटेंसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आपको बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा लोन लिया हुआ है जिस पे हाई पेइंग इंटरेस्ट है, लाइक क्रेडिट कार्ड का लोन। क्रेडिट कार्ड पे जो लोन होता है वो काफ़ी महंगा हो सकता है। एक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा है, बाकी अपने हिसाब से टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो आप नंबर्स के साथ खेलोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और मान लीजिए 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मान के चलते हैं कि लोन का लोन टेन्योर है आपका 5 ईयर्स का, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन बिकॉज आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है या जैसा भी कोई भी रीज़न है, और आपके पास 5 साल का लोन है, 10 लाख का लोन ले लिया आपने और 5 साल का टेन्योर है, 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम सिचुएशन है, 2000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट्स बढ़ी। तो भाई इस हिसाब से अगर आप इस 2000 रुपये को अपने पर्सनल लोन में डालोगे तो तकरीबन आपका इंटरेस्ट सेव होता 68,990, ठीक है। अब वहीं आप दूसरा सिनेरियो है, लोन ऐसे ही चलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे और एक काम करते हैं 2000 रुपये की मंथली SIP कर देते हैं। अगर आप 2000 रुपये की मंथली SIP करते तो ओवरऑल देखा जाए 5 साल में, तो आपकी जो इस 2000 रुपये की जो वैल्यू बनती वो तकरीबन फिर भी पॉजिटिवली बन रही है 154,874। आप अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करना, आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो नंबर थोड़ा आसपास होगा, डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 साल में 2000 रुपये की मंथली SIP का अमाउंट आपका होता है 1,54,874, मतलब ओवरऑल वैल्यू बता रहा हूँ मैं, कैपिटल नहीं, ओवरऑल वैल्यू। वहाँ पे आप इंटरेस्ट सेव कर रहे हो तो ये ओवरऑल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इस 2000 रुपये को आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कैपिटल गेन कितना हुआ है तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे आई थिंक मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें कितना इंटरेस्ट बनता आपका, तो इन सबको आप प्लस कर लोगे तो तकरीबन ये 34,874 रुपीज़ के करीब का आपको प्रॉफिट होता इस SIP को करने का। लेकिन इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट सेव करते, कितना 68,990 अगर 2000 रुपये की आप मंथली इंस्टॉलमेंट मांग करते। हालांकि आप अपने हिसाब से इसे यूज़ करना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 साल लेता हूँ, कोई लोन है आपके पास तो 15 साल का टेन्योर है, तो 15 साल में सेम 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 15 साल में आप अगर देखोगे तो तकरीबन 8,28,000 रुपये के करीब का कॉर्पस होता आपका, 2000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट जो होता आपका। लेकिन वहीं अगर 15 साल का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% है, तो आप इंटरेस्ट सेव करते 8,25,000 के आसपास का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 साल के लिए बहुत अनप्रैक्टिकल है, कोई जल्दी से लेता नहीं है। लेकिन अगर छोटे टेन्योर की बात करें और क्रेडिट कार्ड के लोन की बात करें, पर्सनल लोन की बात करें, तो वहाँ पे 18-19% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। प्राइवेट लोन ले लिया तो वहाँ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड, कई बार ऐसा भी होता है कि होम लोन लिया है आपने, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको SIP भी चल रही है और आपके लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिल रहा है, तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करना होगा। लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो में इन्वेस्ट करना आपके लिए ROI के हिसाब से फ़ायदेमंद होगा। ये एक्सेल में ऐसे कैसे ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, आई होप इस वीडियो से, इस एक्सेल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी आपके पर्सनल फाइनेंस डिसीजन के लिए, आपके लोन के लिए। ये अमोर्टलाइजेशन टेबल आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूज़ करने के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास में भी भेज सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, अगर आप हमारा पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बेसिस पे सजेशन करते हैं, पोर्टफोलियो एडवाइजरी रहती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो खैर, आज के लिए इतना ही था, आई होप इस वीडियो को
आपको को डेफिनेटली फायदा देगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।